शुक्रिया इस सम्मान के लिए और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन के लिए। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई तो मैंने सबसे पहले यूनिफॉर्म देखकर सच में इतना अच्छा लगा, ये जज्बा देखकर। और खूबसूरत तो आप सब वैसे ही हैं और इस यूनिफॉर्म पहनने के बाद में एक अलग से नूर आया है आप सबके ऊपर। एक जिसे कहते हैं ना अंदर से खुशी, वो रूहानी खुशी मुझे हो रही है और जो आप सबके चेहरे पर नूर और जज्बा देख कर ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो डिसअपॉइंटेड कितना सब कुछ हो गया है, हमारा समाज तो कहते हैं सोया हुआ है। ये भी सुनने में आता है कि सब खत्म हो गया, हम कुछ समेट नहीं पाए, बचा नहीं पाए। लेकिन एज ए यूथ आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, उम्मीद है अभी भी। ये जज्बा देखकर कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते और बहुत कुछ अभी हमारे अंदर जो जज्बा बचा है इससे आई थिंक हम बहुत लंबी लड़ाई अभी लड़ सकते हैं। और जो लुटेरों ने हमारे अधिकार, हमारी चीजें, हमारे संसाधन छीने हैं, अब वक्त आ गया है इसी जज्बे के साथ वो उन सबकी घर वापसी कर दी। जिसे कहते हैं साडा हक इत्थे रहा, हमारा हक हमारी चीजें वापस लेकर आना है, जो मैं समझ पा रही हूँ आप सबको देखकर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शेर भी कहा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली शेर भी नहीं हूँ और ये सब महिलाएं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे ज्यादा अच्छी खुशी इस चीज की मुझे महिलाओं को देखते हैं क्योंकि अक्सर प्रांता सर शायद ये बात जानते हैं और मैं हमेशा इस चीज की कंप्लेंट करती रहती हूँ कि सर किसी भी कार्यक्रम में जाओ सब हम आते हैं लेकिन हम अपने घर की महिलाओं को घर छोड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देख कर बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मुझे लगता है कि 50-50 की रेशो है जिस हिसाब से महिलाएं भी है क्योंकि हम सब ये चीजें जानते हैं। और यहाँ इस मंच से बोलने को भी ये चीज अच्छी लगती है कि हमें महिलाओं को जो अधिकार कोई नहीं दे सकता वो अधिकार, जैसे मैं अक्सर अपने भाषण में भी ये चीजें बोलती आई हूँ कि महिलाओं को कभी भी आप किसी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं देखोगे, किसी मंदिर की मौलाना नहीं देखोगे, किसी चर्च की पादरी नहीं देखोगे, लेकिन उसी महिला को आप एक शिक्षिका देखोगे, प्रधानमंत्री देखोगे, मुख्यमंत्री देखोगे, राष्ट्रपति देखोगे आज के दौर में, और कलेक्टर देखोगे, आईएएस ऑफिसर देखोगे, क्योंकि जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई नियामत है हमें, सावित्री बाई फूले, माता सावित्री बाई फूले जो उस टाइम पे हमारे लिए लड़ी क्या क्या सभा, देश की पहली शिक्षिका जिसको बहुत स्ट्रैटेजी से हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन आई थिंक हम लोगों के जज्बे से हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन आ चुकी हैं और अपने अधिकारों को समझ चुकी हैं और हम लोग अब बहुत हो गया खिलवाड़ हमारे साथ। आई थिंक आज आपके इस मन से भी हमें ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि जो मार पड़ चुकी है और जो हो चुका है अब बस, क्योंकि मैं आप सबको बस अपने केस से जो भी मुझे सुनते हैं और जिनको भी मेरे बारे में पता है मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम पे ना जो पैदागॉजी है ना डिस्क्रिमिनेशन की, यहाँ जो पैदागॉजी है डिस्क्रिमिनेशन की, छुआछूत की, भेदभाव की ना, वो बदल चुकी है। लोग आपको कहेंगे अब कहाँ भेदभाव होता है आपके साथ, अब कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब ये सारी चीजें बदल चुकी है, ये आपके साथ नहीं होती। हम भी कहते हैं नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है सामने से आपके साथ भेदभाव करेंगे तो लॉज है, रगड़ दिए जाओगे, एसटी एक्ट है, चले जाओगे जेल के अंदर, ये सारे लॉज है कि जिससे आपको पता है, डर है कि आप सामने से हमें नहीं काटोगे, लेकिन आप मानिए वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन है, वैसे ही चीजें है, बल्कि जो होता था उसके अब कई गुना ज्यादा खतरनाक है। डिस्क्रिमिनेशन हैज कंप्लीटली चेंज इट्स फॉर्म टुडे, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपके साथ एकेडमिकली जो जाति है जो कभी नहीं जाती है, जो कास्ट है, वो ट्रू सेंस में इंस्टीट्यूशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको नजर आएगी। रोहित में मुला के साथ जो हुआ, पायल तड़वी के साथ जो हुआ, लिव एग्जांपल थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशंस में जो होता है। आपके साथ अब भेदभाव आपको छूकर नहीं किया जाएगा, आपके रास्ते कैसे काटने हैं और आपके रास्ते कैसे रोकने हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस में ना आ सके, आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ ना सके, आपको कैसे काटना है उसकी जीती जाती एग्जांपल मैं आपके सामने दिल्ली विश्वविद्यालय को
साल हो गए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात, मैं दो मिनट दूंगी सर अगर आपकी इजाजत है, ध्यान से सुनिएगा। 100 साल हो गए रिसेंटली, 2 महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय को बने हुए, और मैं बात ही बात नहीं कर रही, हर छोटे छोटे विश्वविद्यालय में ये होता होगा, क्योंकि आपके रास्ते विश्वविद्यालयों से काटने हैं इनको, हमारे जो रास्ते है ना वो यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देना, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। शिक्षा रोहित बिल्कुला को बनाएगी, शिक्षा पायल तंडी को बनाएगी, शिक्षा जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जिनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम जम्मू यूनिवर्सिटी में लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली वो, और शिक्षा रिंकु सिंह को बनाएगी, और इनको हमारे वो रास्ते काटने हैं। और इन्होंने क्या किया साजिश मेरे साथ, मुझे काटने के लिए मेरे साथ, आई थिंक मेरे वकील एडवोकेट महमूद राजा, जिनकी वजह से आज मेरे हाथ में ये माइक है, और जिनकी वजह से शायद आज मैंने वो रास्ता नहीं सुना जो रोहित ने बोला, और शायद सभी भी नहीं सुना। मेरी मानसिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, मेंटल कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, जबकि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, और मेरे अंदर बहुत हिम्मत है लड़ने की, लेकिन मेरा रास्ता काटने के लिए मेरे अगेंस्ट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, फर्जी चीजें बनाई। मैं इस चीजों पर ज्यादा सर इस चीज से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक झूठा प्लान इस तरीके से षड्यंत्र मेरे साथ रचा, और उस षड्यंत्र से रचने के लिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से टर्मिनेट किया गया, एज ए पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से 2 साल पहले कोरोना काल में 2020 अगस्त में। लेकिन आप सोचिए कि पहला केस एक ऐसा होगा 100 साल के इतिहास में जिसके ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल पे मनुवादी प्रिंसिपल पे एफआईआर हुई एससीईआरटी एक्ट के अंदर स्ट्रक्चर की वजह से। और ना ही सिर्फ प्रिंसिपल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार में भी एससीईआरटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अभी ये सिचुएशन आ चुकी है कि उनके ऊपर चार्जशीट भी दर्ज हो, लेकिन सिर्फ जाति जो कभी नहीं जाती कि वो अपर कास्ट जाति से हैं, मनुवादी हैं, संघ के साथ रिश्ते हैं, तो वही हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो एक लाइन लिख देता है उसको आप उठा के प्रोफेसर रतनलाल उसी समय जेल में डाल देते हैं, और वही आप नितेश सिंह अगर यहाँ पे है तो मुझे नहीं पता अगर वो प्रश्न करती है सही सवाल करती है सवाल उठाती है तो आप उन पर एफआईआर कर देते हो। समाज की बच्चियों पे बहुत आसान है दलित आदिवासियों की बच्चियों के कैरेक्टर पे खेलना और उनको इस तरीके से निछावर करना उनकी इज्जत को, बट ये एक ऐसे मिसाल केस बना है कि मैं आप सबसे मेरी समाज से तो वैसे तो मेरा हक बनता है अपने समाज से अपील करना, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे मेरे समाज से कि कुछ भी ऐसा कीजिए। 28 तारीख को एक लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो मैंने प्रोटेस्ट कॉल नहीं किया, समाज के कुछ इस तरीके से जो चिंतक है समाज के सामाजिक जो लोग हैं बड़े उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे 28 तारीख को सुबह, और हम मांग करेंगे इमीडिएट मांग सस्पेंड दैट प्रोफेसर डॉक्टर सविता रॉय प्रिंसिपल जो हमें सस्पेंड कह रहे हैं, इमीडिएट टर्मिनेट किया जाए उन्हें और अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट किया जाए सस्पेंड किया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, क्योंकि दोनों इस साजिश में शामिल थे। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस लड़ाई को मेरा साथ दें, क्योंकि जब जीते जी समाज के एक बच्ची आपसे कह रही कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं समाज को शायद उनकी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी रोहित बिमला और पायल तंडी की, क्योंकि मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई और उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि समाज के किसी भी इंसान के साथ किसी भी बच्ची बहन के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो वो सबसे पहली कॉल डॉक्टर रितु को लगाए, और चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो चाहे वो कोई भी वक्त हो, किस जीती जागती लड़की की मिसाल ले रहे आप खड़ा पाएंगे मुझे आपके साथ, चाहे वो लीगल हेल्प चाहिए होगी आपको, किसी भी चीज की मदद चाहिए होगी, मैं आप सबके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि अब हम अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे, अपने बल से और अपनी हिम्मत से इनको जेल का रास्ता दिखाएंगे और इनको सलामत। लेकिन मेरी आप सबके साथ एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, और मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनको मैं सुनना चाहूंगी, और आप सबसे यही मेरी उम्मीद है कि बाबा साहेब के सपने को हमने पूरा करना है। समानता का अभी दिवस भी हमने मनाया है, इक्वालिटी की लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते, और अब वो टाइम आ चुका है या तो घर बैठ के सड़ कर मरे या बाहर निकले और लड़ कर मरे।